नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें डेफिनेशन, कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इट इज़ डिफाइंड एज अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल इन ब्रेस्ट पार्ट्स, मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रेस्ट सेल्स, रैपिडली ग्रोथ मतलब लगातार जो ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ ब्रेस्ट सेल इन ब्रेस्ट पार्ट्स। ब्रेस्ट पार्ट्स कौन से हैं? लोब्स, मेमोरी, लिम्फ और निप्पल्स। इनमें लोब्स में मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड्स और लिम्फ नोड में और निप्पल्स में। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। कॉजेज की बात करें तो मेन कॉज इज अननाउन, इडियोपैथिक, मतलब जो मेन कॉज है वो अननाउन होता है। इसके बाद अदर कॉजेस की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस टू हार्मोन्स इन वुमन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कभी कभी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक्स चेंजेस इन द वुमन, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड, जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनके अबनॉर्मलिटी के कारण भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट है हेरिडिटी, मतलब जन्मजात। सेकेंड है डाइट्री पैटर्न, अपने डाइट्री जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। एल्कोहल एंड स्मोकिंग यूज़, कभी कभी क्या होता है वुमन वगैरह एल्कोहल एंड स्मोकिंग करती है, उसकी वजह से भी क्या है ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके बाद एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ज़्यादा एक्सरे या रेडिएशन के कारण कॉन्टैक्ट में आने के कारण क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिकतर होते हैं। अर्ली मेनोपॉज और लेट मेनोपॉज, जो मेनार्के होती है वो कहते या तो फिर जल्दी स्टार्ट हो जाती है या फिर लेट स्टार्ट होती है, उस कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, और कॉज तो इसके अननाउन है, इसके कोई कॉज होते ही नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इरेगुलर साइन ऑफ लिंग्स और मास, जो मास होता है ब्रेस्ट कैंसर उसमें इरेगुलर शेप होती है। ब्लीडिंग फ्रॉम लंप एरिया, जो लंप एरिया होता है वहाँ से क्या होती है ब्लीडिंग चालू हो जाती है। इन्वर्शन ऑफ निप्पल, जो निप्पल का जो होता है वो अंदर की ओर चले जाते हैं, इन्वर्शन मतलब अंदर की ओर। मास पेंड, जो मास होता है वो क्या है पेन करने लगता है, बाय द टच, टच करने पे उसको क्या है पेन फील होता है। इसके बाद हार्डिंग ऑफ स्किन, जो स्किन होती है जो क्या हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे साइन एंड सिम्टम। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की या डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या चेक करेंगे हम, फैमिली हिस्ट्री, कोई जेनेटिक हिस्ट्री प्रॉब्लम, मतलब प्रीवियस कोई ब्रेस्ट कैंसर वगैरह तो नहीं है फैमिली में। ये फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन। इसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, जो CBC वगैरह टोटल आ गए ब्लड कैंसर। इसके बाद फोर्थ वन हमारा आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल फर्स्ट है, इसमें विजुअल एग्जामिनेशन बाय मिरर, मिरर के सामने खड़े होकर टेक्टिकल विजुअलेशन, मतलब बाय टच करके इसकी स्टेप्स होती है थ्री। इसके बाद पोजीशन ऑब्जर्वेशन, मिरर के सामने खड़े रहकर फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग। और फोर्थ वन हमारे साइन एग्जामिनेशन, साइन के अकॉर्डिंग हम इसको एग्जाम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। तो सबसे विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है, इन दिस इंस्पेक्शन पेशेंट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब जो पेशेंट होता है वो मिरर के सामने खड़ा होकर चेक कर सकता है सेल्फ इंस्पेक्शन। इसके बाद हमारा सेकेंड है टेक्टिकल विजुअलाइजेशन, दिस टेक्निक कंप्लीट इन थ्री स्टेज, जो ये थ्री स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है सर्कुलर, आपको इमेज में दिख रही है, जो ब्रेस्ट होता है वो अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर सर्कुलर करके टेस्ट करते हैं। सेकेंड है लाइनिंग, लाइनिंग के थ्रू, जैसे कि ये ब्रेस्ट है इसमें लाइनिंग या तो फिर राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से लाइनिंग करके बाय द टच उसको फील कर सकते हैं। फोर्थ है वाइट, वाइट में मतलब बाहर से अंदर की ओर, जैसे कि बाहर से अंदर की ओर जो ब्रेस्ट होता है उसके बाहर से अंदर की ओर चेक करेंगे।
तो ये था हमारा सेकेंड टेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके बाद थर्ड स्टेप की बात करेंगे हम, पोजीशन इंस्पेक्शन। पोजीशन इंस्पेक्शन की बात करते हो, पोजीशन इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो हम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड हैंड ऑन हिप, जो कि आपको फर्स्ट पीक में दिख रहा होगा, जो हैंड्स होते हैं वो हिप पे रख के मिरर में खड़े होकर देख सकते हैं। सेकेंड, स्टैंड विथ राइजिंग बाय हैंड, मतलब हाथ खड़े करके ऊपर देख सकते हैं, ये सेकेंड पीक में आपको दिख रहा है। इन लाइनिंग एंड सुपाइन पोजिशन विथ राइजिंग हैंड, मतलब सुपाइन पोजिशन में रख के हाथ को ऊपर खड़े रख के फिर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं साइन एग्जामिनेशन, जिसमें लम्स और मास, लम्स और मास होते हैं उसको टच करके, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ मास, जो ब्रेस्ट के जो मास होता है वो उसमें साइज और शेप में चेंजेस आ जाते हैं। थर्ड हम बात करेंगे फ्लूइड एंड डिस्चार्ज इन द लम्स एरिया, जो लम्स एरिया होता है वहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, अब नॉर्मल डिस्चार्ज, अनयूजुअल डिस्चार्ज मतलब। इसके बाद फोर्थ वन होता है इन्वर्टेड ऑफ निप्पल, जो निप्पल्स होते हैं इन्वर्ट यानी अंदर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडियोग्राफी टेस्ट कौन से होते हैं, मोनोग्राफी टेस्ट, जिसमें मेकिंग अ एक्सरे इमेज इन द ब्रेस्ट, इसमें जो ब्रेस्ट का एक्सरे लेते हैं। सेकेंड होता है हमारा बायोप्सी टेस्ट बाय द सेल या टिश्यू से सैंपल। और थर्ड हमारा होता है FNAC टेस्ट, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं तीन। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की वह कीमोथेरेपी ड्रग्स, सेकेंड है एनाल्जेसिक ड्रग्स पेन के लिए, और थर्ड है हमारे रेडिएशन थेरेपी। तो ये थी हमारा ट्रीटमेंट इसका ब्रेस्ट कैंसर का। अब सर्जरी की बात करें, सर्जरी सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो एक फर्स्ट वन आता है लिम्पेक्टोमी, जिसमें रिमूव ऑफ लम्प और मास, जो मास होता है उसको रिमूव करना। सेकेंड हमारा आता है मेस्टेक्टोमी, रिमूव ऑफ ब्रेस्ट पार्ट्स, ब्रेस्ट पार्ट को रिमूव करना, जिसमें ये टाइप्स ऑफ मेस्टेक्टोमी, फर्स्ट है पार्शियल मेस्टेक्टोमी, रिमूव ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ ब्रेस्ट, मतलब कुछ ही पार्ट उसको रिमूव करेंगे ब्रेस्ट से। इसके बाद सिगमेंटल मेस्टेक्टोमी, इन दिस सर्जरी रिमूव पार्ट ऑफ एक्सिलरी नोड, जो एक्सिलरी जो नोड होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और जो हमारा लास्ट टोटल मेस्टेक्टोमी, मतलब टोटल रिमूव ऑफ ब्रेस्ट पार्ट्स, जो ब्रेस्ट होता है उसको टोटली रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ब्रेस्ट कैंसर का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।